क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक वत्स है, मैं यहाँ से पूर्व सभासद हूँ, नगर पालिका परिषद मोदीनगर से। तो जो ये आप समस्या जो है यहाँ की, क्या समस्या है जिसे आप उठा रहे हैं? मेरी क्या, ये तो जनता की समस्या है और मोदी स्टील के अंदर शुगर मिल ने अवैध खाद प्लांट लगा रखा है। इस अवैध खाद प्लांट से ये खाद तैयार करते हैं, जिसकी वजह से इतना बुरा हाल यहाँ पे हो चुका है कि अगर यहाँ का पानी भी अगर चेक कराया जाए तो वो भी इतना गंदा और इतना दूषित हो चुका है कि पीने योग्य भी नहीं है। अच्छा, जो छात्रों का मैटर आ रहा है, छात्र जो पढ़ने में दिक्कत आ रही है छात्र के, उसके बारे में बताएंगे कुछ? यूपी बोर्ड के पेपर चल रहे हैं आज की डेट में, और अगर बाहर पढ़ते हैं तो बदबू और अंदर पढ़ते हैं तो सर्दी का, दोनों का माहौल बड़ा खराब रहा है। और बाहर अगर बैठते हैं बच्चे, या कोई गेस्ट अगर आ जाता है तो बिल्कुल मुंह पे कपड़ा बांध के ही बैठना पड़ता है। ऊपर छत पे इसलिए बैठ पाते क्योंकि जस्ट बराबर में ही बिल्कुल बैक में ये प्लांट लगा हुआ है, जिसकी बदबू इतनी जबरदस्त है, मच्छर इतने ज्यादा हो चुके हैं कि बैठना और सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये समस्या आप कब से उठा रहे हो? मैं करीब करीब 2012 से मैं इसमें लगा हुआ और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, माननीय एसडीएम साहब को भी लिखा, डीएम साहब को भी लिखा, नगर पालिका को भी लिखा मैंने, और मैंने इतना प्रयास किया लेकिन आज तक रिजल्ट निकला 0/0। कोई अधिकारी इसमें सुनने को तैयार नहीं है। जो प्रदूषण विभाग एनजीटी को आप बता रहे हो, उन्होंने कुछ प्रक्रिया नहीं दी? प्रदूषण विभाग को मैंने लिखा, प्रदूषण विभाग ने इसमें लिखा जवाब दिया कि हमने इनको एनओसी दे रखी है, लेकिन वो दे रखी है मोदी डिस्टिलरी के नाम से, और जो इन्होंने प्लांट लगा रखा है वो मोदी स्टील के अंदर लगा हुआ है, जबकि मोदी स्टील को 22-23 साल बंद हो चुके हो गए कि 22-23 साल से बंद है वो, और ये प्लांट करीब 15 साल से ही चला है अवैध प्लांट। तो और कोई समस्या जैसे यहाँ पे बदबू वगैरह है, मच्छर वगैरह? यहाँ पे अब मार्च के अंदर ही जो पहला नवरात्र आएगा, मेरे हिसाब से कई लाख आदमी मेले में आते हैं दर्शन करने के लिए, और एक भी शख्स अगर मुंह पे कपड़ा ढक के ना निकले, इतनी उल्टियां उनको होती हैं, हर आदमी मुंह पे कपड़ा ढक के निकलता है, इतनी बदबू जैसे कोई जानवर सड़ गया हो, ये इतना बुरा हाल होता है कि हम लोगों को तो इतनी बेचैनी होती है, लेकिन जो आदमी बाहर का आता है उसको ज्यादा दिक्कत होती है। जो आपके रिश्तेदार वगैरह आते हैं वो तो आपको थोड़ा वो बताते करते होंगे? रिश्तेदार कोई रुकने को तैयार नहीं है, कोई खाना खाने को तैयार नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे कोई आदमी कोई अपनी बेटी को देने को तैयार नहीं है कि हम यहाँ रिश्ता कर देंगे। ये बदबू कभी कभी रहती है या परस्पर लगातार रहती है? बदबू कंटिन्यू रहती है, लेकिन जब हवा तेज चलती है तब ये आसपास के क्षेत्र, सीकरी खुर्द है, बलवंतपुरा है, मोदी स्टील कॉलोनिया है, डी लाइन है, विश्वकर्मा बस्ती है, इसमें कई हजार लोग जो आवास कॉलोनी है, ये सब इससे दूषित हो जाते हैं, और लोगों ने बिल्कुल मन बना लिया कि जो आसपास क्षेत्र के गांव के लोग हैं वो ऐसे प्लान करेंगे, जैसे अपने गांव चले जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे।